अस्सलाम वालेकुम। ये ड्रेस बहुत ही प्यारा एक ट्रेडिशनल ड्रेस है और इस पे एप्लिक वर्क है, लाइट पर्पल कलर पे डार्क पर्पल किया गया है एप्लिक का काम, और बहुत ही डिसेंट ड्रेस है। और ये खुद काम करवाया गया है, ये रेडीमेड नहीं लिया गया। और ये किस तरह से है मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें, सबसे पहले तो इसकी ये नेक लाइन है, बोट नेक लाइन है, और उसके अंदर ये दो दो लोब्स थोड़े थोड़े फासले पे, दो दो इंच के फासले पे कह लें, लगाए गए हैं। और आगे इसका ये काम है सारा, ये कैसे है ये मैं बाद में आपको बताती हूँ। और ये नीचे एक मोटिव अलग है राउंड शेप में, और ये सेपरेट है यहाँ से, और ये ऊपर वाला जो मोटिव है वो अलग है स्क्वायर में। ये देखिए इस तरह से, और ये इसके स्लीव्स हैं, स्लीव्स फुल काम वाले हैं, आगे से पीछे से सारे ऊपर तक फुल स्लीव्स एप्लिक वर्क है। ये देखिए कितना प्यारा काम है, और स्लीव्स के आगे ये फिर लूप्स लगाए हुए हैं, बहुत बारीक बारीक छोटे छोटे सफाई से बने हुए हैं ये लूप्स, और बहुत प्यारे लगते हैं इस तरह लगे हुए। और ये देखिए, ये अब मैं आपको इसका काम चेक करवाऊँ। रेडीमेड एप्लिक वर्क जो मिलता है वो इतना रफ होता है, और उसके टांगे इतने बड़े बड़े होते हैं, और इस एप्लिक वर्क का तो टांका आपको कहीं नज़र ही नहीं आएगा ना, कि टांका इसका लगा कहाँ हुआ। ये बहुत ही प्रोफेशनल एक औरत है हमारे यहाँ वो बनाती है, और कोई नहीं ये बना सकता। बहुत सफाई से बना हुआ, बहुत ज़्यादा सफाई से, ये देखें। और वो ये कैसे बनाती हैं, ये वो लोग तो बहुत प्रोफेशनल तरीके से बनाते हैं, लेकिन अगर कोई घर बनाना चाहे तो ख़ुद भी बना सकते हैं, इतना हैवी ना बनाएं, छोटा मोटा मोटिव तो आसानी से हम लोग बना सकते हैं। ये ऊपर जो कमीज़ का कपड़ा होता है उसके ऊपर कपड़ा अटैच करते हैं पहले रफ़, यानी ये लाइट पर्पल के ऊपर डार्क पर्पल, इतना बड़ा यहाँ से लेके यहाँ से ये सारा नीचे तक यहाँ तक एक रफ कपड़ा, ऊपर अलग कपड़ा, उसको रफ धागे कच्चे टांके से अटैच कर लेते हैं। और उसके ऊपर वो लोग तो कटाई में ही ये मोटिव इस तरह से काटते हैं, लेकिन आम नॉर्मल बंदा जो है वो कोई भी मोटिव ऊपर छपवा लें, कोई भी डिज़ाइन ऊपर आप छपवा लें उसके, और फिर जैसे ये है ये इतना इतना आपने, ये जो उस कमीज़ का हिस्सा नज़र आ रहा है इतना पीस जो होता है उसको कैंची से काट देते हैं, और फिर जो बाकी इसका बचता है इसके ऐसे किनारे नीचे नीचे दबा के तो ये तरपाई कर देते हैं, तो ये इस तरह से ये बनता है। बहुत आसान है, छोटा मोटा काम आसानी से किया जा सकता है, सिर्फ आप उसको कपड़े पर छपवा लें कोई डिज़ाइन, और उसको फिर कैंची से, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये मेरा डिज़ाइन है, तो जो डिज़ाइन के अलग है ये जो डिज़ाइन है ये वाला इसको आप नहीं छेड़ेंगे, लेकिन ये जो खाली जगह है ये इसको आप किसी भी तरीके से रफ़ तरीके से काट लें, और फिर इसके किनारे इधर दबा दें, इसके किनारे इधर दबा दें, और साथ साथ ये तरपाई करते हैं, साथ साथ बिल्कुल साथ साथ, तो वो फिर नज़र नहीं आती। ये देखें बहुत ही प्यारा, बहुत ही डिसेंट डिज़ाइन है, और कलर कम्बिनेशन बहुत प्यारा है। ये मेरी बेटी का ड्रेस है, और ये वो यूनिवर्सिटी पहन के जाती हैं। ये मिक्स सा कपड़ा ग्रिप टाइप है, ना रेशमी है ना सूती है, मिक्स सा है, बहुत प्यारा लगता है। और ये नीचे वाला मोटिव ये राउंड शेप में है, ये भी बहुत प्यारा है, और सिंपल कमीज स्टिच की गई है, इसी के साथ का कपड़ा दामन पे चौक पे नीचे लगाया गया है, आगे पीछे दोनों तरफ,
ये देखें, और ये छोटा सा मोटिव तो छोटे छोटे बच्चों की फ्रॉक पे ऊपर बनाए बच्चियों के, तो वो बहुत प्यारा लगता है। पेटी पे बना दे, नीचे बना दे, और ये मुश्किल नहीं है। आप कोई भी छोटा सा डिज़ाइन छपवा लें, सिर्फ अगर आप एक इतना ये लीव जो बना हुआ है इतना राउंड शेप में, ये दो लीव तीन लीव छोटी बेटी की फ्रॉक पे बनाएं, तो बहुत आसानी से बन जाएंगे। सिर्फ आपने इस मोटिव को छपवा लेना है, और ये जो चीज़ है इसकी आपने कटिंग कर लेनी है, इसके किनारे जो है इनको तरपाई से नीचे को दबा देना है, तो आसानी से बन जाएगा। अब कोई ये ना सोचे कि हाँ हम ये कहाँ से बनवाएं, किस तरह बनाएं, ये कोशिश करें तो हो सकता है। और बाकी इसकी ये देखें स्लीव्स, फुल स्लीव्स हैं, और ये आ गया है, और ये जो इतना आ गया है ये स्लीव्स जहाँ तक थी, और ये इनकी लेंथ कम हो रही थी, फिर ये आगे मैंने खुद कपड़ा लगाया उसी के साथ का, और उसके ऊपर फिर ये छोटी सी एक ये पट्टी लगा दी, एक इस तरह की सिंपल सी पट्टी लगा दी, तो ये लगता है ये उसी का ही डिज़ाइन है। लेकिन ये इतना स्लीव्स छोटा हो रहा था, तो ये इतना कपड़ा बाद में अटैच किया, आगे लूप्स लगा दिए, तो वो स्लीव्स पूरा हो गया। ये फुल सूट है, और इसके पीछे भी ये देखिए यही मोटिव बना हुआ है, जो फ्रंट पे नीचे बना हुआ है वही बैक पे बना हुआ है मोटिव। ये देखिए बहुत प्यारा लगता है पीछे भी, और बहुत अच्छा लगता है। और इसका ट्राउज़र और दुपट्टा भी मैं आपको दिखाती हूँ, एक ही कलर में एक ही कपड़े का ट्राउज़र और इसी कलर का दुपट्टा है साथ। बहुत डिसेंट सूट है, बहुत डिसेंट कलर है इसका। ये देखें ये सिंपल सा ट्राउज़र है, ट्राउज़र पे कुछ नहीं किया हुआ, सिंपल सादा ट्राउज़र है साथ इसका, और ये इसका दुपट्टा है साथ। दुपट्टा मैं आपको दिखाती हूँ, ये दुपट्टा है साथ इसका, और दुपट्टे पे चारों तरफ ये छोटी छोटी सी ये वाली, ये छोटी छोटी किनारी सी बनाई हुई है। ये बहुत ही डिसेंट लगता है, ये इतना काम ही अगर आप कर लें, बड़ों पे कर लें, छोटे बच्चों पे कर लें, तो ये बहुत प्यारा लगता है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। और ये मल्टी कलर में भी हम कर सकते हैं, यानी 10 इंच एक कलर का कपड़ा ले लें, 10 इंच एक का, 10 इंच एक का, 5-6 कलर की इस तरह एक लंबी पट्टी सी लें, और फिर उसको इस तरह छोटे बच्चों की फ्रॉक पे या दुपट्टे पे मशीन से इधर सिलाई लगा लें, लंबी सारी सिलाई, और उस सिलाई को फिर अंदर को इधर को बाहर को राइट साइड पे पलट दें, सीधी तरफ जो है पलट दें, तो वो किनारे इसके अंदर चले जाएंगे कपड़े के। और ये चीज़ फिर आपने कटिंग में करके तो इसके सिरे तरपाई से इस तरह कर देने नीचे को। सिर्फ इतने इतना डिज़ाइन भी अगर कोई बना लेना, तो इससे कमीज़ पे भी बहुत डिज़ाइनिंग हो सकती है। कमीज़ के गले पे ये 4-5 दफ़ा अगर इस तरह की लंबी लाइनें लगा लें, सेम कलर में लगा लें, मल्टी कलर में लगा लें, एक के बाद दूसरी थोड़े फासले पे, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरह लगा लें। अगर तीन इधर दरमियान में फट्टी बना के वो लगा लें, एक छोटी एक उससे बड़ी एक उससे बड़ी, इस तरह से लगा लें, बराबर लगा लें, कुछ भी डिज़ाइनिंग कर लें सिर्फ इतनी चीज़ के साथ, तो बहुत कुछ हो सकता है। इतना सा भी अगर कोई काम करना चाहे ना, तो छोटे बच्चों की फ़्रॉक भी इससे बन सकती है, बड़ों का भी बन सकता है। ये बहुत प्यारा लगता है, ये दुपट्टे के चारों तरफ किया हुआ है, ये देखें, और ये बहुत डिसेंट लुक देता है। और सिंपल ट्राउज़र है इसका, और ये कमीज है, और ये बहुत ही प्यारा ड्रेस है, बहुत डिसेंट कलर है इसका, कलर कम्बिनेशन बहुत प्यारा है, और ये बनाना भी मुश्किल नहीं है। और काम वाले कपड़ों का, कोई भी काम वाला जिसकी नेक बनी हो, तो उस पे ये गला बना हुआ लूप्स वाला अच्छा लगता है, बजाय इसके कि हम सादा गोल गला इसका बना दें, थोड़ी सी इसमें डिज़ाइनिंग हो जाए और ऐसे ही बाजुओं के आगे हो जाए, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, अच्छे स्टाइल से सिलाई हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये ड्रेस बहुत पसंद आया होगा, हम सबको तो बहुत ही पसंद है।
और मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है, और पहना हुआ भी ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत डिसेंट लुक आती है इससे। और बहुत ही एक ट्रेडिशनल ड्रेस है ये, आम बाज़ार से नहीं मिल सकता, कोई बनाएगा तो ही बनाएगा। रेडीमेड अगर होंगे भी तो उनकी ये लुक नहीं होगी, ये काम नहीं होगा, ये सफाई नहीं होगी। इस काम में तो हद से ज़्यादा सफाई है, ऐसे लगता है जैसे ये प्रिंट है। हालांकि ये सारा सुई धागे का काम है, और टांका काम पे कहीं नज़र आता ही नहीं कि टांका लगा कहाँ हुआ, इतना वो अंदर अंदर करके नीचे नीचे करके लगाया गया है। अल्लाह हाफिज़।